दो दिनों से जारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। लोनी के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र की दौलत कॉलोनी में पानी भर चुका है। लगातार हो रही बारिश के कारण कॉलोनी में तकरीबन 7 से 8 फीट तक पानी पहुंच गया है, जिसके चलते कॉलोनी के लोग परेशान हैं और परेशानियों का सामना इनको लगातार करना पड़ रहा है। देर रात तक बारिश के बाद लगातार जो लोग हैं वो परेशान हुए और यहाँ जलस्तर बढ़ गया, लोगों के घरों में पानी पहुंच गया, घरों में लोग फंसे हुए हैं। और जैसे ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, एसीपी लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। एसीपी ने कॉलोनी में भरे पानी की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया। एनडीआरएफ की टीम ने मकानों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। देखिए गाजियाबाद के हालात दिखा रहे हैं हम आपको, ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये दिल्ली नोएडा से सटा हुआ गाजियाबाद है, जहां पर ऐसे हालात इस समय बन चुके हैं। गाजियाबाद में बारिश आफत बनकर बरस रही है और घरों में पानी घुस चुका है, लोग परेशान हैं। यहां पर पानी भरने से लोग घर में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया। हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी 7 बजे कि यहाँ पे जो है पानी लोनी में कुछ ज्यादा आ गया है और काफी परिवार जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो हम वहां से ठीक 7:05 पे निकल चुके थे, 5 मिनट में मूव करा दी थी मैंने टीम को और लगभग हम यहाँ पे 8 बजे पहुंच गए थे। उसके बाद हम यहाँ पे आके पहुंचे तो हमारी यहाँ पे एसीपी साहब जो है उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि काफी लोग जो है अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ से हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया अपना, तो लगभग जो है इसमें 33 जिसमें 16 फीमेल 4 चाइल्ड और 13 जो है वो मेल थे और कुछ जानवर जिसमें डॉग और कुछ बकरियां थी जिनको हमने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। आज शाम को थाना टोनका सिटी के दौलत नगर क्षेत्र से सूचना मिली कि कुछ लोग पानी में काफ़ी फंसे हुए हैं। अचानक से पानी काफ़ी भर गया था, करीब 9 से 10 फीट पानी था यहाँ पर। इस सूचना पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और राजस्व टीम तथा नगर पालिका की टीम और एनडीआरएफ को सूचना दिया गया। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा भी त्वरित एक्शन लिया गया और मौके पर पहुंच करके पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।